वहीं कानपुर में शासन ने अवैध बस्ती को खाली कराने का दिया आदेश, तो बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार और नोटिस फाड़ दिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला एक बस्ती को खाली कराने के आदेश के बाद निकल कर सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के कड़े तेवर देखने को मिले। अधिकारियों को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा, उन्होंने नोटिस फाड़ दिया और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। अधिकारी को बोले, बुलडोजर आया तो बुलडोजर और जो साथ में आएगा उसे यहीं नहर में घुसेड़ देंगे। आइए सुने क्या कहा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने। 16 मार्च को और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में? नहीं, क्या किया जाए? नहीं, मेरी बात समझ लो, यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया, तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में, बिल्कुल। यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना, इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल, ये पूरी नहर सिटी आई तक किसी भी बस्ती पे। गरीब आदमी 40-40 साल से रह रहा, मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे? हम नहर को पक्की बनवाने के लिए लगे हैं कि पूरी नहर पक्की बनेगी, दोनों तरफ सड़क बन जाएगा, गरीब आदमी का भला होगा। जैसे हमने डबल पुलिया में बनवा दिया कि नहर को हम पाइपलाइन से ले गए, ये पाइपलाइन से नहीं जाएगी तो हम पक्की ले जाएंगे, दोनों तरफ लोगों का भला होगा। और यहाँ अभी उजाड़ने की सोच भी ना लेना मेरा भैया, बता दिया हमने, कोई हम समस्या तुम्हारी ना कोई समस्या सुनेंगे ना कोई बात सुनेंगे, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। यहाँ आओगे तो दो दो हाथ हमसे करना, ठीक है? बहुत हिंदी में समझ लो, और मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आवाज को टेप कर लो, किसी की हो मैं यहाँ पे नहीं सुनूंगा। यहाँ घुस ना जाए कोई, ये हरकत ना कर दे जरा भी, वरना मैं अगर उत्तर प्रदेश के सदन में होऊंगा तो सदन भी छोड़ के यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, ध्यान रखना। और बता देना अपने चीफ को भी, यहाँ गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये 40-40 साल से बसे हैं, दो दो तीन तीन पीढ़ी चली गई, अब आए हो बिल्कुल राम राज लाने के लिए। हमें कुछ नहीं तुम्हारी बात सुननी है, ये नोटिस तुमको लगाने के पहले अपनी बात हमें बतानी चाहिए, तब हम बात करते। नोटिस लगाने के बाद तुम हमसे क्या बात करोगे? अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, यहाँ समझ लेना। ये हमारी चेतावनी है तुमको कि ये गंदा काम कर मत देना, अगर आ गए तो ये समझ भी लेना कि हम यहाँ पर बुलडोजर का और तुम्हारा स्वागत हम ही करेंगे। हाँ, हम इस पे तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, बहुत साफ सी बात है, हम बहुत स्पष्ट समझ लो। नोटिस लगाने के पहले तुमको हमसे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। किसी के बाप का राज है क्या कि जो चाहेगा वो कर लेगा? ऐसे नहीं होता। मोदी जी, योगी जी मकान दे रहे हैं और यहाँ बुलडोजर खड़ा कर दोगे? बिल्कुल यहाँ सोच भी ना लेना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं लखनऊ का सदन भी छोड़ दूंगा अपना, मुझे अब कुछ नहीं तुमसे बात करनी, तब तक नहीं बात करनी जब तक ये नोटिस होगा तुम कैंसिलेशन नहीं दोगे। ये सब कैंसिल कर दो, सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ, इधर की तरफ निगाह भी ना डाल देना कहीं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में छू ना लेना किसी भी जगह पर।